ओके, तो ये न्यू शूज़ आज रिसीव किया, संडे है आज, आज क्या है 18th of September, तो बेटू के लिए मैंने ये शूज़ मंगवाया था, सो रिसीव किया अभी कैंपस ब्रांड का, बहुत पसंद आया था मुझे। अब देखते हैं, देखो पहन के दिखा। वाह एकदम सही है, कंफर्टेबल है बाबा, आराम है पहन के, ठीक है खड़े रहो। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज था मंडे, आज था 19 तारीख, 19 सितंबर। स्कूल गई थी एज यूजुअल, आ गई फ्रेश वेश हुआ, लंच वंच हो गया। मेरा बेटा आज काम किया है स्कूल में, पता नहीं वो साइकिल चला रहा था, देखिए किसी और बच्चे का साइकिल लेके, तो साइकिल लेके नहीं जाता पार्किंग के वहाँ पे था, हाथ में भी पूरा चोट लगाया, पैर में भी लगाया अभी, हालांकि ऑइंटमेंट लगा के रखी हो तो नहीं दिखेगा आपको, हाथ दिखाओ, इसमें भी अच्छा खासा चोट लगा है। और करोगे बदमाशी, और करोगे ऐसे साइकिल खुद से? मामा, मामा की बात नहीं सुनने से ऐसे होता है। हाँ चप्पी पुराना बाबा के कंधे में पास एक बाइक था, उस बाइक को चाके देखा तक गया नहीं, अभी गया। अरे तुम्हारे पास पहले था वो, तो अब घर में चलाते थे, ये रास्ते में क्यों चला रहे हो? रास्ते में गिर गया, चोट लग गई ना। मगर मैं पुराना बाबा के का, हाँ उसका तो अच्छा था ना फ्लोर, उसमें गिरने से भी नहीं लगता था। सी रॉक में नहीं कोई गाया के थका मत, सब तो पता है तुमको, फिर क्यों बोल रहे हो? जब सब पता ही है फिर करते क्यों हो वही काम? तो ये स्कूल में ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है, डेकोरेशन हम कर रहे हैं सारे टीचर्स मिलके, एंड असेंबल कर रहे हैं, घर से ही सब कटिंग वर्क करके लाए थे, असेंबल कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपना दुपट्टा वगैरह लाके ऐसे ही डेकोरेशन किया, जस्ट जहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है हमारा जो मल्टीपर्पज़ हॉल है उसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश की है ऐसे ही बलून्स एंड दुपट्टे के साथ। तो हम टीचर्स आज पूरे बिजी हैं डेकोरेशन में, एंड बाकी स्टाफ्स भी हमारे साथ बिजी है। एंड ये मोस्ट प्रोबेबली, हाँ ये है 22 तारीख, 22nd September, एंड एक दिन पहले ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन के एक दिन पहले हम लोग स्कूल में आफ्टर स्कूल आवर्स हम ये सब कर रहे थे। सो उस दिन घर भी मैं बहुत लेट गई थी, हम सारे टीचर्स ही, हमें घर जाते जाते 4 बज गया था, हम रुक के ये डेकोरेशन पार्ट कंप्लीट करके ही निकले थे। तो और साथ में मस्ती मजाक भी चल रही है यहाँ पे, तो बस सभी एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो फ्रेंड्स, आज है आपका, आज था आपका 22 तारीख, 22nd of September। बेटू मेरा गया है ट्यूशन पढ़ने चला गया, आज स्कूल से आते हुए बहुत लेट हो गया, घर ही में आई 4:10 पे। सो समझ ही सकते हो आप, खाते खाते मुझे 4:30-5:30 बज गया, एंड अभी बज रहा है 5:20। तो बेटू मेरा गया है ट्यूशन में, एंड हबी गए उसको छोड़ने, एंड अभी तक लौटे नहीं है और कुछ काम करके आएंगे, एक्चुअली कुछ कुरियर पार्सल भी आया है वो सब रिसीव करके आएंगे, तो वही है। एंड कल है ग्रैंड पेरेंट्स डे, तो इसलिए आज इतना लेट हुआ, सॉरी। तो कल ग्रैंड पेरेंट्स डे है स्कूल में, सेलिब्रेशन ग्रैंड पेरेंट्स डे का, सो आज डेकोरेशन करने में इतना लेट होगा। डेकोरेशन क्या क्या है यहाँ पे मैं शेयर कर दूँगी, क्लिप्स छोटे छोटे थोड़े से क्लिप्स लिए हैं या फोटोज़ वगैरह हम सारे टीचर्स मिलके किए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा मोटा सेलिब्रेशन होगा उसी के लिए डेकोरेशन हुआ है छोटा मोटा। ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे एंड उनको हम गिफ्ट्स देंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा कुछ गिफ्ट, एंड खाना पीना होगा, डांस प्रोग्राम ये सब रहेगा। सो लेकिन अच्छे से हो रहा है प्रोग्राम बहुत, एंड एन्जॉय करेंगे होपफुली, बच्चे भी एन्जॉय करेंगे, उनके दादा दादी नाना नानी भी एन्जॉय करेंगे। तो जो भी है वो कल है फ्राइडे, कल है 23rd, एंड आज था थर्सडे 22nd। सो बस, और इतना बिजी जा रहा है और तबीयत ठीक नहीं जा रही है, सच बता रही हूँ, इसलिए व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं जा रही। डेली मुझे शाम को 4:30-4 बुखार आ रहा था, बीच में 3-4 दिन ऐसे हुआ कि शाम को 4:30-4 मुझे बुखार आ रहा था, मैं दवाई खा रही थी फिर सो रही थी, यही चल रहा था, मेरा काम भी तो छत था ही साथ में, बेटे का भी तबीयत ठीक नहीं था,
तबीयत मेरा एक दो हफ्ते से, मेरा और बेटे का एक हफ्ते से, एक दो डेढ़ हफ्ते से अच्छा नहीं जा रहा था। फिर डॉक्टर दिखा के दवाई खा के अभी ठीक है। एंड इस चीज़ का भी टेंशन हो रहा था कि बार बार टाइम से बुखार आ रहा है 4 साढ़े 4 बजे, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो डॉक्टर ने दवाई दिया था, बोला था ये 3 दिन खा लीजिए, ऑब्जर्व करते हैं, अगर फिर भी ठीक नहीं होता तब तो वही है ब्लड टेस्ट वगैरह बाकी टेस्ट वगैरह देते। तो जो भी है तो अभी ठीक हूँ फिलहाल, बेटा भी मेरा ठीक हुआ है। ये तो यही है, ऐसे ही चल रही है लाइफ, बिजी लाइफ चल रही है और क्या। आशा करती हूँ इन फ्यूचर आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दिखा पाऊँगी, स्पेशली दशहरा पे हमारा दुर्गा पूजा जो होने वाला है। हालांकि घर तो नहीं जा रही दुर्गा पूजा में, बट यहाँ भी बहुत एंजॉय करेंगे हम अपने काली मंदिर में। हमारा जो बंगाली कम्युनिटी है वहाँ पे जाके खाना पीना पूजा सब होगा, तो आशा करती हूँ हम मज़ा करेंगे। कॉल आ गया तो ठीक है, बस मिला जुला के वही फ़ोन आ गया था बीच में, तो वही है आशा करती हूँ तब ब्लॉग अच्छे दे पाऊँगी। हालांकि अपने घर को बहुत मिस कर रही हूँ, अलीपुर द्वार को बहुत मिस कर रही हूँ। इस टाइम वहाँ की रौनक ही अलग होती है। अभी वहाँ पे डेकोरेशन शुरू हो गया होगा, रास्ते सज गए होंगे, मैं इमेजिन करती हूँ बस पंडालें बन रही होंगी, हर क्लब हर गली चौरा पे पंडाल बन रहा होगा, रास्ते सारे लाइटिंग से डेकोरेट हो रहे होंगे, वो खाने के स्टॉल्स। और अपने घर का क्या बताओ, बंगाल का मुझे फुचका मिस कर रही हूँ इतना ज़्यादा। मुझे पानी पर यहाँ पे इतना बारिश बारिश हो रहा है ना, पानी पूरी खाने का इतना मन कर रहा है, फुचका पानी पूरी भी नहीं, बंगाल का फुचका और हमारे उस पार्क रोड का फुचका मुझे खाने का मन हो रहा है। हमारे उधर जो नेताजी रोड सॉरी जो पार्क रोड का जो फुचका है ना, मेरे घर के सामने, नाना के घर के सामने जो न्यूटन के वहाँ पे, सो वो पार्क रोड का जो फुचका एक भाई बनाता है, उसका टेस्ट मैं आपको नहीं बता सकती, इतना अच्छा बनाता है वो। उसका पापड़ी चाट, दही पूड़ी, दही फुचका, सब कुछ वो खाने का मुझे स्पेशली उसका ही, पर्टिकुलरली उसका फुचका खाने का मन कर रहा है। यहाँ तो जाके खाऊंगी, कल ही खाने जाऊंगी, मेरा मन कर रहा है पानी फुचका खाने का, तो क्या करो पानी पूरी खा के मन भरना पड़ेगा। तो यहाँ कैंपस के अंदर जो बेचते हैं पानी पूरी महाराजा कॉलम से, वो अच्छा ही बेचता है, तो वही जाके खा लेंगे और क्या, खाऊंगी। बट फिर भी वो फुचका वाला टेस्ट तो इसके पास नहीं आता है, नहीं वो फुचका की बात ही अलग होती है, उसके पानी का टेस्ट, उसका फुचका का टेस्ट, क्रस्ट का बाहर वाले, यानी उसका जो आलू मिक्सचर अंदर डालता है उसका टेस्ट। मुंह में पानी आ गया, अभी आ रहा है मेरे मुंह में पानी, तो क्या कर सकते। और बंगाल का रोल, चिकन रोल वगैरह, वहाँ का एग रोल, चिकन रोल इतना टेस्टी होता है, यहाँ तो मिलता नहीं उस टाइप का। तो ये है, क्या बताऊँ, खाना भी मिस कर रही हूँ, घर जाने का मन भी है बहुत ज़्यादा, क्या करूँ, मिस तो करते हैं बट जा नहीं पाते काम के चलते। ये देखते हैं, होपफुली दिसंबर में अगर जा पाऊँ तो छुट्टी के लिए अप्लाई करूँगी, छुट्टी डालूँगी, अगर मिल जाता है छुट्टी, सैंक्शन हो जाता है दिसंबर का तो घर चले जाऊँगे। ऐसे तो विंटर वेकेशन सिर्फ हमारा 10 डेज ही होता है, तो 10 डेज में और एक्स्ट्रा मैं 20 दिन जोड़ लूँगी तो 1 महीना हो जाएगा, तो वही है, और 20 दिन ले लूँगी, 1 महीना करके मैं चले जाऊँगी छुट्टी। ये मेरा प्लान है, अब देखते हैं होपफुली क्या होता है नहीं होता, क्योंकि बैक टू बैक बहुत कुछ अभी लाइंड अप है, तो सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड होता है, क्या होता है नहीं होता है देखते। चलिए फिर बाद में मिलूँगी आप लोगों से, आशा करते हैं आप लोग भी बढ़िया ही होंगे। एंड मेरी एक कलीग जो आपने उनको देखा होगा पहले भी व्लॉग में, पूजा मैम, वो प्रेग्नेंट थी तो वो अभी मैटरनिटी लीव चले गए, उनको बेटी हुआ है, कल ही बेटी हुई है उनकी 21 तारीख को, बहुत प्यारी सी गुड़िया जैसी, तो उनके घर लक्ष्मी आ गई। सो सच में बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जिनके घर सुनती हूँ ना बेटी आई है, सुन के इतना खुशी होता है, मन इतना खुश होता है। बट क्या बताऊँ, हम भी बेटी ही चाहते थे, हमें नहीं हुआ, भगवान की मर्जी, क्या कर सकते हैं। बट मुझे, मेरे हबी को बहुत शौक था बेटी का, तो वही है। चलिए फिर अभी इसीलिए बेटी, अपने बेटे को बचपन में पूरा लड़की सजा सजा के फ़ोटो लिया है, इसको इसका है बहुत कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ है, गर्ल, ये गर्ल जैसा ही लगता था, बड़े बड़े इतने लंबे लंबे बाल थे बेटी, तो इसको बेटी जैसे सजाती थी मैं। बट वही है, बेटी का शौक था, नहीं हुआ, भगवान की मर्जी, क्या कर सकता, बेटू बेटा है, वही है ना, जो जो चाहता है इंसान उसको वो नहीं मिलता। हम बेटी बेटी करते हैं, हमें नहीं दिया, हमें बेटा दे दिया। और कितने लोग होते हैं जिनको बेटा 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 करते हैं, उनको बेटी ही दे दिया है भगवान ने, 1, 2, 3 ऐसे, और जो चाहते हैं उनको नहीं देते, वही होता है। चलिए फिर और क्या कर सकते, बेटियों के कपड़े कितने अच्छे होते, बेटियाँ बड़ी लाडली होती है, प्यारी होती है, बेटे उतने नहीं होते, प्यारे होते हैं बट इसको गलत सेंस में मत लीजिएगा, बट बेटियाँ अलग ही होती हैं, उनका मोह माया अलग ही होता है, बेटियों का भी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए, शादी हो जाए, ससुराल चले जाए, उनका एक अलग ही मम्मी पापा के ऊपर वो रहता है, और केयरिंग होती है, लविंग केयरिंग होते हैं ज़्यादा। मुझे लगता है हमेशा, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए बट है,
जो भी इफेक्ट मानो ना मानो, बेटों से ज़्यादा बेटियाँ सेंसिटिव होती है, ज़्यादा केयरिंग लविंग इन नेचर होती है। बेटे ऐसे होते हैं शायद रेयर केस, बट बेटियाँ तो हमेशा होती है। कुछ भी करो मतलब बेटों से बेटियाँ 10% 20% तो ज़्यादा वो होती है लविंग एंड केयरिंग ज़्यादा, तो वो तो है ही अलग। और बेटे एक एज के बाद उतने ज़्यादा मम्मी पापा से वो नहीं करते, मतलब थोड़े डिटैच हो जाते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल अपने माहौल में मस्त रहते हैं। पर बेटियाँ ऐसी नहीं होती। बेटी क्या है, पापा की तबीयत खराब है तो थोड़ा सर दबा देगी, बेटियाँ समझती है सब चीज़ें। मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा हाथ बटा दिया साथ में, जो कि बेटे नहीं करते हैं। ये होता है, बट पता नहीं अब शायद ये कल्चर का घर पे भी माहौल वैसा ही होता होगा। मैं तो ये देख के आई हूँ, क्या पता मैं कोशिश करूँगी मेरा बेटा वैसा ना हो, ये थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, इसको थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, घर के कामों में भी हेल्प करे। हालांकि करता है ये, ऐसा नहीं है, अभी छोटा है, लेकिन कुछ भी बोलते हो बेटा ले आओ वो करो वो लाता है, लेकिन बोलना पड़ता है। पर बेटियों को बोलना भी नहीं पड़ता है, मैंने देखा है कि एज के बाद बेटियाँ इतनी सेंसिटिव हो जाती है ना, समझ जाती है कि माँ की तकलीफ और पापा का तकलीफ, तो वो लोग थोड़ा समझदार ज़्यादा होती है, चाहे अग्री करो या ना करो। मेरे कितने ऑडियंस मुझसे अग्री करते हैं बताना। चलिए फिर बाय बाय। ये मैंने ऑनलाइन में परचेस किया है मेरे साड़ी के साथ, जो साड़ी लिया है उसके साथ मैच कर गई, उसका कलर भी ऐसा ही है। अभी रात के लिए बना रही हूँ मैं फिश कड़ी, आलू और डाल के बना रही हूँ, एंड फिश यहाँ मैंने फ्राई करके रख दिया है। ये है, ये देखिए, आज बहुत ही ताज़ी मछली मिल गई थी एकदम, मतलब ज़िंदा था, इनके सामने ही काटा गया शोल मछली, हम बहुत अच्छा लगता है खाने में शोल, तो ये फ्राई करके रखा है, तो इसका ग्रेवी बनाऊँगी, डिनर हो जाएगा। ये एक मैं वनीला एसेंस लाई थी, आउट ऑफ फोकस हो रहा है, पाइनएप्पल फ्लेवर, तो ये वनीला एसेंस लाई थी मैं पाइनएप्पल फ्लेवर, उस दिन नीट्स में गई थी ना फॉर्म में, वहाँ से जब कूपन से सामान लाने गई थी, तो फर्स्ट टाइम सोच रही हूँ पाइनएप्पल केक बनाऊँ मेरे कलीग के लिए। मेरी कलीग का कल बर्थडे है शगुफ्ता मैम का, तो मन में तो है, देखती हूँ अभी क्या कितना कर पाती हूँ, टाइम कितना परमिट करता है और सेहत भी सही में हेल्थ भी परमिट करता है कितना, बट मन था मुझे उनको सरप्राइज़ देने का, छोटा सा केक बना के उनको दूँगी, तो और इसको भी यूज़ करके देखती हूँ पता नहीं कैसा बनेगा। फर्स्ट टाइम ये पाइनएप्पल एसेंस मैं ट्राई करूँगी, वनीला एसेंस तो किया है, पाइनएप्पल वाला फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। ओके, सो हियर इज़ रेडी माई पाइनएप्पल केक। इसका ये है फाइनल लुक, इससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाई। फूड कलर यूज़ किया है, पाइनएप्पल है तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है, एंड बस ऐसे ही थोड़ा डिज़ाइन बनाने की कोशिश की हूँ। अब इसको पकने देते हैं, वही 35 to 40 minutes लग जाता है, 35 minutes ही पकड़ लीजिए। ओके, केक चढ़ा के आ गई। फिर यहाँ पे मैं कार्ड बना रही थी, थोड़ा सा एक छोटा सा कार्ड बना लिया था, बेटा सो गया था, हबी सो गए थे रात को, फिर मैंने ये कार्ड भी बनाया बस। और ये है नेक्स्ट डे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन हमारा, देख लीजिए।
ग्रैंड पेरेंट्स डे तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ हमारा, ग्रैंड पेरेंट्स सारे बहुत खुश थे। एंड उसके बाद जब सब कुछ ओवर हो गया, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं शगुफ्ता मैम का। शगुफ्ता मैम आएंगे, उनको कोई आइडिया नहीं है। अभी देखो उनको हम सरप्राइज़ कैसे देते हैं। ये है फ्राइडे नाइट डिनर स्पेशल, चिकन टिक्का कबाब, फिश टिक्का कबाब, ये है गलौटी कबाब, ये भी टिक्का ही है, चिकन टिक्का, नान और भी बहुत कुछ है, बिरयानी वगैरह। फ्राइडे स्पेशल नाइट डिनर, ये हमारी बिरयानी गर्म हो रही है, खाएंगे बस। अब ऐसे मत कर बाबा, ये लो अभी अभी ये देखो, आलू भी है, ये कोलकाता स्टाइल बिरयानी है, बिरयानी 2 किलो से लाए हैं, चिकन का पीस का है, मिल नहीं रहा, ये देखो, हाँ मिल गया चिकन, ये देखो अभी ये का अंडा, एक और दो अंडा, ओके फ्रेंड्स। तो आज है सैटरडे, आज था सैटरडे 24th ऑफ सितंबर, और ये है शाम का नाश्ता, चीज़ एक सैंडविच एंड है चाय, बेटे का बॉर्नविटा, बेटे ने खाना स्टार्ट भी कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो सुबह से और व्लॉग नहीं की, सुबह क्या कल रात को व्लॉग की थी, और उसके बाद और व्लॉग कंटिन्यू भी नहीं किया। एंड सच में कल का खाना बहुत टेस्टी था, एंड बिरयानी 2 किलो उसका बिरयानी हमने पहली टाइम कल ट्राई किया। अब तक हम बहरोज़ का बिरयानी खाते थे, बट मुझे बहरोज़ से ज़्यादा अच्छा बिरयानी 2 किलो उसका बिरयानी अच्छा लगा, कोलकाता स्टाइल बिरयानी, स्पेशली ऑथेंटिक कोलकाता स्टाइल था, क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी, एंड अंडा था, आलू था, जो हम बंगालीज का फेवरेट है। तो कोलकाता स्टाइल बिरयानी हाँ मिल गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो बहुत अच्छा था मिला जुला के, कल का डिनर बहुत अच्छा था, ट्रीट बहुत अच्छा था हमी की तरफ से। एंड फिर पूरा दिन ऐसे ही, मतलब सुस्ती मारी, होता नहीं है कभी मन नहीं करता, थोड़ा लथर्जिक भी फील कर रही थी, बहुत टायर्ड थी, तो वही सारी थकावट आज निकला पूरे दिन, यही है। एंड सुबह से बारिश भी हो रही थी, दिन भी वैसा ही है बारिश वाला, एंड शाम को भी कुछ खाने का मन कर रहा था चटपटा, बाहर तो नहीं जा सकते, बारिश भी है, मौसम भी ठीक नहीं, बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा, तो इसलिए घर पर ही बना लिया स्नैक्स। तो ठीक है, अब हम एंजॉय करते हैं स्नैक्स चाय के साथ, बेटू बॉर्नविटा के साथ, और आशा करते हैं आप लोग भी बढ़िया हो। सैटरडे हमारा ऐसे ही जा रहा है, एंड कल है महालया, कल है संडे, कल एक एक्साइटिंग व्लॉग के साथ आऊँगी, कल हमारे काली मंदिर में भी पूजा है, वहाँ जाएंगे,
एंड महालया के लिए सभी को बोलूंगी हैप्पी महालया या शुभ महालया। कल महालया देखना ही है, अर्ली मॉर्निंग उठ के ये हर बंगाली का है कि महालया का सुनेंगे, तो वो तो है ही करेंगे सुबह सुबह उठ के। वो अगर महालया ना देखे तो पूरा दिन, मुझे पूरा दिन का पूरा साल ही लगता है कि कुछ मिसिंग हो गया, मिस किया कुछ। महालय के दिन अगर महालय ना देखे या ना सुने तो अच्छा नहीं लगता है ना। सभी बंगालीज का ये है बचपन से ही, सुबह उठ जाते थे अलार्म लगा के कि महालय देखना है, तो मैं भी देखूंगी कल। तो बस अब कल का दिन अच्छा ही जाएगा हमारा तो, क्योंकि मंदिर भी जाएंगे, प्लानिंग है पहले से ही, वहीं पे खाना पीना है, सब कुछ है। कल अमावस्या भी है, उसकी पूजा भी है, तो वही है। चले फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। ठीक है, टाटा।